हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, ये आपके लिए यहाँ पर इस वीडियो में आज बताएंगे एक्सरसाइज 7.2। देखिए, स्टार्ट कर चुके हैं हम एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। एक्सरसाइज 7.2 में हम आपको बताएंगे पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल क्या है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि अगर आपके लिए कोई दो बिंदुओं से अनुपात को विभाजित करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे अनुपात विभाजन। अनुपात विभाजन, देखिए हम अनुपात विभाजन को समझ लेते हैं ये क्या होता है। यानी अगर हम किसी भी अनुपात को विभाजन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया एक पी बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर मान रहे हैं x1, y1, और इसी तरीके से एक क्यू बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट मान रहे हैं x2, y2, ये मान रहे हैं। और यहाँ पर इस लाइन को, इस रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित किया जाता है, m अनुपात n में। ये मान के चला है कि हमने m अनुपात n में इसको विभाजित किया गया है, और इसके लिए आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। m अनुपात n में विभाजित है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका नियम होता है। कैसा नियम होता है, सबसे पहले ये x1 जो है यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 से गुणा करेगा, यानी x1 x2 से गुणा करेगा, x1 x2 से। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर एक बिंदु मान ले रहा हूँ x और y, इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ मैं। तो मैं लिखूँगा x बराबर क्या आ जाएगा, x1 की गुणा x2 से होगी, तो x1 into x2 ये हो जाएगा। इसी तरीके से x1 की गुणा x2 से हो जाएगी यहाँ पर ये, और या आप ऐसा करिए क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर ऐसा मत करिए, देखिए ऐसा करिए, x1 x2 करने से यहाँ पर क्या है, आप ऐसा करिए कि आपको बिंदु x, y निकालना है, तो x, y निकालना है तो इसका मतलब m की गुणा करो, क्योंकि ये अनुपात में है, तो m की गुणा x2 से करेंगे तो m x2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, m x2 प्लस n की गुणा x1 से करेंगे तो आ जाएगा n x1, और बटे में एक बार m प्लस n, ये पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y बराबर m y2, फिर जाएगा m y2 से, तो m y2 प्लस फिर यहाँ पर n जो जाएगा वो y1 से जाएगा, n y1 प्लस एन वाई वन और बटे में एम प्लस एन, ये आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि अगर कोई भी बिंदु, कोई भी दो बिंदु है, एक तीसरा बिंदु उनको विभाजित करता है अगर एम अनुपात एन में, तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। पहला एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स एन एक्स वन बटे में एम प्लस एन, और वाई बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो ये आपका फार्मूला बना, और ये अंतः विभाजन के लिए है, ध्यान से सुनना। अंतः विभाजन क्या है, अंतः विभाजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए अंतः विभाजन के लिए। अब यहां पर क्या है कि आप देख सकते हैं इस बुक में आपके लिए फार्मूला भी दिया गया है। ये फार्मूला यहां पर विभाजन सूत्र का है, इस बुक में विभाजन सूत्र लिखा हुआ है। पहला x कोऑर्डिनेट आया एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, इसी तरीके से यहाँ पर भी आगे दिखाया गया वाई कोऑर्डिनेट। तो आप बुक में देख सकते हैं, आपके लिए बुक में फार्मूला लिखा हुआ है। मैंने आपको बता दिया कि करना कैसे है, यानी इस फार्मूले को बनाना कैसे है। तो ये फार्मूला बन गया हमारा। अब बात करते हैं इसके सवाल की। देखिए, सवाल हम शुरू कर रहे हैं, और सवाल शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको बता दें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, और हम अति लघु प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ पर अति लघु प्रश्न, अति लघु प्रश्न। अब यहां पर आपके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न यह है कि बिंदुओं 2, 3, बिंदु 2, 3 और 3, -2 है, दो बिंदु हैं 2, 3 और 3, -2 है बिंदु। अब आपके लिए क्या करना है, को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, इनको x अक्ष विभाजित करेगा तो किस अनुपात में विभाजित करेगा, x अक्ष।
अगर एक्स अक्ष इसको विभाजित करेगा तो क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो। देखिए एक्स अक्ष पर अगर विभाजित करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। तो आपके लिए करना क्या है, आपके लिए ये करना है कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो है, इसका बिंदु है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर जीरो होगा, ठीक है। इसका आपको अनुपात निकालना है, तो हमने ये मान के चलेंगे कि जो इसका अनुपात है वो m अनुपात n होगा। क्या होगा, m अनुपात n। ये अनुपात हमें मालूम नहीं है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, या तो हम लैम्डा अनुपात 1 मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, m अनुपात n अगर मानेंगे तो इसको आप रखिए, देखिए m अनुपात n को रखेंगे, कैसे रखेंगे ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर m की गुणा 3 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3m। देखिए ध्यान से, ये x कॉमा 0 है तो x बराबर निकालूंगा, m यानी 3m और 3m हो गया। फिर आपके लिए क्या करना है, n का यहाँ पर किससे गुणा करानी है, 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस 2n और बटे में m प्लस n, ये हो गया। ऐसे ही जीरो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो जीरो बराबर यहाँ पर आ जाएगा दूसरा, m की गुणा 2 से होगी माइनस 2 से, तो माइनस का 2m और प्लस n की गुणा 3 से होगी तो ये हो जाएगा 3n, 3n हो गया और बटे में m प्लस n, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जीरो के बराबर है तो यहाँ से m और n का अनुपात निकाल सकते हैं, बल्कि यहाँ पर नहीं निकाल सकते क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पर m प्लस n का मान नहीं निकाला जा सकता, लेकिन यहाँ से निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसको लिखेंगे माइनस 2m प्लस 3n और बटे में m प्लस n बराबर में जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा ये जीरो से, ये गुणा कर जाएगा तो माइनस का 2m प्लस का 3n बराबर में ये हो जाएगा आपके लिए जीरो, m प्लस n गुणा करके जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं माइनस का 2m बराबर में 3n उधर चला जाएगा तो माइनस का 3n हो जाएगा। जब 3n हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो m यहीं रखो और n को नीचे ले आओ, m अपॉन n बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके लिए, 3 यहाँ रहेगा और 2 नीचे चला जाएगा, यानी m अपॉन n बराबर हो गया 3:2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3:2 में इसको काटेगा तो ये हमारा आंसर हो गया पहले सवाल का। अब बात करते हैं इसका दूसरा सवाल, दूसरा सवाल आपके लिए बताते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा सवाल, तो यहाँ पर आइए दूसरा सवाल जानते हैं कैसे करेंगे। दूसरा सवाल है कि बिंदुओं 2,3 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:5 में, 1:5 में विभाजित करते हैं, 1:5 में विभाजित करते हैं। अंतर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो निर्देशांक ज्ञात करना है। यहां मैंने माना कि कोई भी है x कोऑर्डिनेट है इसका अंतर विभाजन का और एक y कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए x और y का मान निकाल के दिखाते हैं। x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, 1 की गुणा किससे होगी, 3 से, तो 3 × 3 प्लस 5 की गुणा होगी 2 से, 5 × 2 = 10 बटे में m प्लस n होता है तो 1 + 5 ये हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 10 और 3 कितना, 13 और बटे में 5 और 1 = 6, ये 13/6 आ गया पहला कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से दूसरा कोऑर्डिनेट निकालेंगे वाई, तो वाई आप देख सकते हैं यहाँ पर वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई का मान ये होगा 1 की गुणा जो होगी 4 से होगी पहले, तो 4 × 4 हो जाएगा प्लस 5 की गुणा 3 से होगी तो 5 × 3 = 15 और बटे में 5 × 1 = 6, 1 + 5 लिख लो तो ये हो जाएगा 15 × 4 = 20 यहाँ पर 19, ये हो जाएगा आपके लिए 19 और 5 और 1 = 6 ये आ गया दूसरा कोऑर्डिनेट। इसका मतलब हुआ कि जो x है और y है वो क्या है, x है आपका 13/6 और y कोऑर्डिनेट है आपका 19/6, ये हो गया। दोनों कोऑर्डिनेट आपके सामने हैं कि अगर 1:5 में डिवाइड करेगा तो यहाँ पर आपके लिए जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 13/6 और 19/6 आ जाएगा। अब सवाल आपका तीसरा प्रश्न है, तो तीसरा प्रश्न यहां पर आपके लिए क्या है, मैं आपको बताता हूं कैसे करना है।
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में विभाजित करता है, आपके लिए निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सेम ऐसा ही सवाल है, इसको एक्स मानो और इसको वाई मानो, ठीक है। तो आप करिए, 2 की 2 गुणा 4 से होगी 2×8, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ पहले, 2×8 और 3 की गुणा 1 से होगी माइनस की, तो माइनस का 3 हो जाएगा और बटे में 2+3। वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे जब आप, तो 2 की गुणा 3 से होगी, तो 2×3 6, माइनस का 6 और यहाँ पर 2×3 6 हो गया, 3 की गुणा 7 से होगी, तो 3×7 21, प्लस का 21 हो गया और बटे में 2+3, तो ये हो गया 8 में से 3 गया 5/5 यानी 1 और y का मान आएगा 21 में से ये 6 चला जाएगा आपके लिए, तो 5 15 और बटे में 5 5 3 15 यानी y का मान आ गया 3। तो हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, x का मान आया 1 और y का मान आया यहाँ पर 3, तो ये x को हम y लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से अनुपात विभाजन होगा और इसके कैसे सवालों को करना है। तो देख सकते हैं आप, हमने आपके लिए 3 सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो थे वो हमने आपको बताए शॉर्ट वाले, और इसी तरीके से आपको पूरी एक्सरसाइज होगी। अभी ये आपके लिए 3 प्रश्न हैं, उसके बाद जो भी बचेंगे आपके लिए वो प्रश्न कराए जाएंगे और डेली का डेली जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, जितना चाहें आप मेहनत करके जो है वीडियो देखें और आराम से अपना जो है सॉल्व करें कॉपी पेन लेके, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।